अभी हम गोपालगंज जिले के अंतर्गत एक पंजदेरी ब्लॉक के अंतर्गत जो है एक कपरी गांव है, एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक बच्ची ने 377 नंबर ला करके एक अपनी पहचान बनाई है, वो भी आर्ट स्ट्रीम से, जहां पे पढ़ाई का बहुत ही कम संसाधन है, फिर भी उन्होंने कोशिश किया है। तो पावर ऑफ मैथ की टीम वहाँ पे पहुँची हुई है उस कोचिंग में, जहाँ से इन्होंने जो है बच्ची ने 377 नंबर ला करके एक अपनी पहचान बनाई है। तो हम चलते हैं उनसे, मिलवाते हैं आपको और बात कराते हैं कि उन्होंने 377 नंबर लाई तो उन्होंने कैसे लाई, उनकी पढ़ाई करने का तरीका क्या था। तो चलिए उनसे सीधे बात कराते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो छोड़कर भागना नहीं है। चलिए सबसे पहले मेरे चैनल पर तुमको स्वागत है। चलो सबसे पहले तुम पहले अपना नाम बता दो। सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी, अच्छा कितना नंबर आया है? 377। अच्छा बताओ, तुम पढ़ती थी, 377 नंबर लाई हो, कहाँ पढ़ती थी? नटवा मोड़ पे, मतलब कपुरी के जस्ट सामने। अच्छा कपुरी के जस्ट बगल में एक कोचिंग है, कोचिंग का नाम बताओगे? एमएस कोचिंग सेंटर। अब बताओ कि पढ़ने के तरीका बता दो कि 377 नंबर लाई है तो पढ़ती कैसी थी, तैयारी बताओ। मतलब सर जैसे दिए थे फीडबैक वैसे ही पढ़ते थे हम। बताते थे। अच्छा पढ़ती थी तो उसका नोट्स भी बनाया करती थी? हाँ, पूरे सब्जेक्ट का नोट्स भी बनाया करती थी। सुन रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ नोट्स बनाइए। अच्छा ये बताओ कि एग्ज़ाम के समय, जब लास्ट समय होता है एग्ज़ाम का, तो क्या उस नोट्स को तैयार रिवाइज की थी या कि सिर्फ एक ही बार में पढ़कर तैयार की? नहीं, रिवीजन किए थे उसको। अब लास्ट जो है, मतलब ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने का तो अलग अलग, हर बच्चों का अलग अलग तरीका होता है, तो तुम अपना फीडबैक ये बताओ कि तुम जो पढ़ती थी तो पढ़ने का तुम्हारा समय कब था? सबसे पहले तो मतलब शाम को मतलब राइट करने वाला काम करती थी, अब सुबह में रिमेम्बर करने वाला, जो मतलब टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें सुबह का मतलब ज़्यादा योगदान रहता है। मैं मतलब कि इनका कहना है कि सुबह में अगर आप पढ़ते हैं तो याद सुबह में करिए और शाम को लिखने का काम करिए। अगर आप विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो शाम को लिखने का काम करो और सुबह में याद करने का काम करो, क्योंकि ये 377 नंबर बहुत आश्चर्य, तो ये बहुत अच्छा नंबर, इन्होंने इस तरह के नंबर ला करके एक अपनी पहचान दिलाई है। तो इसलिए अगर आप भी तैयारी करते हैं तो बेहतर तैयारी करिए, प्रत्येक सब्जेक्ट पर ध्यान से उसको तैयारी करिए। एक आप क्वेश्चन है कि ये जो तैयारी करती थी इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही है? मम्मी पापा और टीचर का भी रहा है। अच्छा मम्मी पापा का और टीचर का, तो सबसे ज़्यादा योगदान मैंने टीचर को कि मम्मी पापा को? मम्मी पापा, मान लीजिए घर से पढ़ने अगर नहीं भेजेंगे तो। अच्छा मैंने गार्जियन को इनको सबसे ज़्यादा योगदान है कि गार्जियन ही अगर नहीं भेजेंगे तो बच्चे क्या कर सकते हैं। अगर आप अभिभावक हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ने का मोटिवेशन दीजिए, तैयार करिए, क्योंकि आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से बच्चे कुछ कर सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल आपसे कि आप 377 नंबर ला लिए हैं, अब आगे क्या करोगी, क्या तुम्हारी मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है कुछ बताओ? मुझको तो LLB करना है। अच्छा इनकी जो है तैयारी LLB की है, बाकी और क्या, और कोई एडिशनल इनकी कोई तैयारी नहीं है? थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा दीजिए, थोड़ा इन लोगों से पूछ लेते हैं। आप लोग बताइए किस कोचिंग में पढ़ते हैं? MS कोचिंग सेंटर में। MS कोचिंग सेंटर में कैसी तैयारी होती है? अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी होती है। कितने घंटा पढ़ाई होता है? कितना घंटा? 6:30 से 8:30 बजे तक। 6:30 से 8 बजे तक चलता है। कैसी तैयारी होती है? बहुत अच्छी तैयारी होती है, बेहतर तैयारी। आप पढ़ते हो वहीं पे? कैसी तैयारी होती है? अच्छी तैयारी होती है। अच्छा आपकी? बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो अभी आपने सुना बच्चों का फीडबैक, बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर, जो इसमें गलती होगा उसको भी बताइएगा ताकि हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी ये बच्चों का प्रयास है और ये कोचिंग संस्था का प्रयास है ताकि बच्चे, हर बच्चे अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। और इस वीडियो को देख ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।